वॉइस ऑफ आम जन के सभी दर्शकों और टुडे न्यूज़ के टीवी के दर्शकों को एक बार फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं गांव उरलाना हाल कला के हालात। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि उरलाना कला का सबसे जर्जर मकान, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपके यहाँ से बहुत सारे फ़ोन आने के बाद एक बार फिर हम उरलाना कला में पहुँचे। आज फिर यहाँ पे एक मकान और ऐसा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, तो चलिए ले चलते हैं उस मकान की तरफ। आज हम हमारे कैमरामैन व रिपोर्टर धर्मवीर जी के साथ पहुंचे यहाँ पे। आज हम भी दोबारा से आए हैं गांव उराना कला में, जो कि एक दोबारा से हम लोग आपको जर्जर मकान दिखा रहे हैं, जहाँ पर इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं रह सकता। ये जो इस मकान की हालत देखी है, मकान की हालत देखने के बाद कैसा लगता है कि यहाँ पे तो बरसात के अंदर बिल्कुल पानी निकल जाता है, और अगर पानी है तो इंसान तो रह ही नहीं सकता। मैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? राजबाला। रानी बाला जी, राजबाला। राजबाला जी, आपका मकान है ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये फिर मकान है तो ये आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? इतना जो जर्जर मकान है, यहाँ तो कुछ रहने का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काफी समय हो गया, ये मेरे ससुर जी थे जब उन्होंने बनाया था। अच्छा जी, जब से ही रह रहे हैं। तब से रह रहे हैं, तो फिर आपने इसके लिए जो ग्राम पंचायत है, जो सरपंच है गांव को, उसको बोला नहीं कि भी हमारा मकान सही से बनाया जाए? जी कहा था उनसे, लेकिन अभी कोई वो ही नहीं आया, पता ही वो नहीं आया, क्या बोलते हैं कुछ तो नहीं बोलना है अभी। आप क्या कह रहे थे, मतलब पंचायत ने क्या बोला? अभी वो सुनाई नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? वो कह रहे हैं भाई आश्वासन देवे बस, सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि अपने मकान की तरफ देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं इनके। इसी वजह से हम ग्राम पंचायत उराना कला से वॉइस ऑफ आमजन के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि इस दुखिया औरत के मकान को भी बनाया जाए। ये देखिए कितनी जर्जर हालत, मैं बोलूँ कैमरामैन को ही देखिए, हाथ लगाते ही कैसे एक भी मकान गिर जाता है। यहाँ पर एक भी पक्की ईंट में लगी नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे जो मकान है ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है, क्योंकि आज़ादी से पहले ही ऐसे मकान बनते थे, इतनी गरीब हालत में ये लोग रह रहे हैं। ऐसे अनुरोध करूंगा कि इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।